7 6 5 4 3 2 1 0। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने आज मिशन गगनयान की उड़ान के पहले चरण का पहला ट्रायल कर लिया है। यह ट्रायल वैसे तो आज 21 अक्टूबर को सुबह 8:30 पर होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसका समय बदलकर 8:45 कर दिया गया था। लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से 5 सेकंड पहले इसे होल्ड कर दिया गया। इस मिशन का मकसद सुरक्षा को जांचना है। सवाल यह है कि गगनयान मिशन आखिर है क्या? चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग के बाद यह इसरो के लिए इतना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसरो का गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने की क्षमता को दिखाने के लिए बनाया गया है। इस मिशन के तहत 3 लोगों को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की कक्षा में पहले लॉन्च किया जाएगा, फिर उसे समुद्र में उतार कर उनको पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शन करने की कल्पना की गई है। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। क्रू मॉड्यूल रॉकेट्स में पेलोड है और यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण के साथ रहने योग्य जगह है। इसमें एक दबाव युक्त धात्विक अंतरिक्ष आंतरिक संरचना और थर्मल सुरक्षा प्रणालियों के साथ एक बिना दबाव वाली बाहरी संरचना भी शामिल है। दोस्तों, इसमें मैं और आपको बता दें कि गगनयान मिशन 2022 में ही लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी और मिशन की जटिलताओं की वजह से इसमें देरी हो गई। इसरो का गगनयान मिशन अगर सफल रहता है तो अमेरिका, चीन और पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बाद भारत मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ानें संचालित करने वाला 4th देश बन जाएगा। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और कामयाब कदम बढ़ा दिया है। अनुसंधान संगठन ने अपनी महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दी है। इसरो ने पहले टेस्ट व्हीकल एवॉर्ट मिशन 1 TVD1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शनिवार को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो का पूरा फोकस इस वक्त गगनयान मिशन पर ही है, जिसके तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य स्पेस एजेंसी ने बनाया हुआ है। तो दोस्तों, 2025 तक इसरो स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का लक्ष्य लेकर चल रही है और गगनयान इसी मिशन का नाम है और यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। मिशन में पहली सफलता इसरो ने हासिल कर ली है, जिसमें इसने टेस्ट व्हीकल एवॉर्ट मिशन 1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसमें क्रू एस्केप मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। यह लॉन्च के बाद अंतरिक्ष तक गया और फिर वापस बंगाल की खाड़ी में उतर गया और यह भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इस मिशन की पहली सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि हमारा मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। दोस्तों, यह पहली उड़ान थी जिसे TVD1 नाम दिया गया है। इसके बाद एजेंसी ऐसे ही 3 और टेस्ट करने वाली है, जो कि TVD2, TVD3 और TVD4 होंगे। यानी कि अभी 3 और टेस्ट होने हैं, जिसके माध्यम से इसरो सुनिश्चित करेगी कि अब मानव सहित ये उड़ान अंतरिक्ष में जाएगी तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना बचे। दोस्तों, इसमें और हम आपको बता दें कि गगनयान मिशन के तहत इसरो का लक्ष्य स्पेस में 3 व्यक्तियों को भेजने का रहेगा। हालांकि मिशन को 2021 के लिए प्लान किया गया था, लेकिन उस वक्त चल रही कोरोना महामारी COVID-19 के कारण इसमें देरी हो गई। मिशन के तहत इसरो 3 फ्लाइट स्पेस में भेजेगी और जिसमें से 2 फ्लाइट मानव रहित होंगी, जबकि 1 फ्लाइट मानव सहित होगी। प्लान में पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में 3 दिनों तक 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मनुष्य को रखना है। सब कुछ ठीक रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला दुनिया का 4th देश बन जाएगा। दोस्तों, इसरो के मुताबिक टेस्टिंग यह प्रदर्शित करेगा कि क्या रॉकेट में खराबी की स्थिति में चालक दल सुरक्षित रूप से बच सकता है या नहीं। सफल होने पर यह अगले साल अंतरिक्ष में रोबोट भेजने सहित
अन्य मानव रहित मिशनों का मार्ग प्रस्तुत करेगा। तीन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक मानव युक्त मिशन को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना इन सभी परीक्षणों का सफल समापन के बाद ही होगा, और जैसा कि सरकार ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी, यह संभवतः 2025 में होगा। दोस्तों, गगनयान परियोजना को 90 बिलियन रुपये यानी कि 1,897 मिलियन की लागत से विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना और 3 दिन बाद वापस लाना है। अगर यह सफल हुआ तो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को गगनयान मिशन में यह दिखाना होगा कि इंसानों को ले जाने वाला कैप्सूल सुरक्षित रूप से घर लौट सकता है या नहीं। शनिवार की उड़ान, जिसे इसरो द्वारा फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एवॉर्ट मिशन 1 कहा जा रहा है, यही करने का प्रयास करेगी। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि वे अंतरिक्ष यान के क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली बताया है। सोमनाथ ने कहा कि अगर रॉकेट को कुछ होता है तो हम विस्फोट करने वाले रॉकेट से चालक दल को कम से कम 2 किलोमीटर दूर ले जाकर सुरक्षित रखने को सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा, इसलिए उड़ान भरने के बाद जैसे ही रॉकेट आकाश में 12 किलोमीटर से 16 किलोमीटर दूर होगा, पैराशूट खुल जाएगा, हम निरस्त प्रणाली को चालू कर देंगे और चालक दल को इससे दूर ले जाएंगे। तो दोस्तों, गगनयान मिशन की तरफ से अब कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।